ओके है ना, शिल्पा को लेके बहुत कुछ कहा गया कि वो टास्क नहीं करती है, वो किचन में रहती है, उसके बावजूद भी शी इज अ विनर। शी इज अ विनर, क्या वजह मानती है? अपेरेंटली शायद उनका वल्नरेबल साइड या फिर जिस तरह से उन्होंने खेला, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने ये चीज़ पहले भी कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे ने कम क्या मैं बोलूँ कम किया है शो में, चाहे वो बाकी कंटेस्टेंट्स हों, लेकिन कोई एक चीज़ उनकी शायद ज़्यादा अच्छी लग गई, या फिर जैसे कि मैंने कहा उन्होंने अपने तरीके से खेला, मैंने अपने तरीके से खेला, विकास ने अपने तरीके से खेला, हर किसी ने अपने तरीके से खेला। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वर्ड्स। आप जीतने की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वर्ड्स। व्हाट इज योर इक्वेशन विद शिल्पा नाउ? वेरी गुड, डिडंट यू सी हाउ वी वर ऑन स्टेज? दो ही जन रह गए थे यार, कितना लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे। वी अभी भी पार्टी में भी वी वर वेरी कूल एंड आई वॉज चैटिंग विद हर ब्रदर, सो आंटी वॉज वेरी नाइस टू मी एंड ऑल, सो इट्स ऑल कूल यार बाबा। विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने गेम किस तरह से खेला है। आज आप टॉप टू में हैं, मैं आप इतने सारे लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं कहाँ पहुँची हूँ इस शो, 15 हफ्ते कैसे गुजारे हैं और कहाँ हूँ आज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इज्जत कमाना इस शो में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीतने से, तो आई थिंक That's all I have to say. Thank you guys. नितिन, आपने शो फॉलो किया होगा और जैसे जैसे शिल्पा ने आपको वोट आउट किया एंड फिर उन्होंने उसका रीजन दिया, देयर वर टू थिंग्स, कंपटीशन एंड अदर थिंग वाज उनको तीन ड्राइव को तोड़ना था। Well, I think अभी बाहर निकल के बाद में शायद तीसरा कोई रीजन बताएंगे। तो जब वो बता दें, एक बार मेरे से सलमान सर ने भी यही सवाल पूछा था स्टेज पे, तो एक बार वो क्लियर हो जाए कि उन्होंने क्यों निकाला, उसके बाद हमें समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक मिस्ट्री है, मेरे लिए मिस्ट्री है। आप अपनी तरफ से मिस्ट्री क्लियर करने की कोशिश करेंगे बाहर? मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो वो घर में हो गया उसको वहीं रहने देना चाहिए, बेटर है। फॉरगेट इट, यू डिड व्हाट यू वांट टू, आई डिड व्हाट आई वांट टू, वी मूव ऑन। ओके फाइन, ये अफसोस है कि उनसे उम्मीद नहीं की गई थी ऐसा, क्योंकि मैंने उनका क्या, मैंने शायद किसी का कोई बुराई किया ही नहीं घर में, बट हाँ दूसरे लोग किस तरह से गेम खेल रहे थे, क्या थे, समझ में आ रहा था, बिकॉज शी हैड नथिंग टू फियर अबाउट। आई मीन अगर दूसरे लोग करते, फॉर एग्जाम्पल जिनको डर है, अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर भी हूँ उनके लिए, तो मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे रख के स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर के साथ में करना चाहिए कंपटीशन, ना कि वीक्स के साथ में, तो कोई भी जीत के आगे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से उन्हें वो डर नहीं होना चाहिए था, बट एनीवे दैट्स व्हाट शी सेड। पुनीश, आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे की जीत हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट बंद की है, पर जीत शिल्पा शिंदे की हुई है, वो भी मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत ही डिजर्विंग विनर है, बहुत ही ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिल्पा की जीत में ही मेरी जीत है। शिल्पा शिंदे के साथ 5 हफ्ते तक जो चीज़ आप लोगों की चली, सलमान खान भी फेडअप हो चुके थे, साथ साथ ऑडियंस को भी लग रहा था कि ये क्या है, बीच में आप दोनों के बीच कभी दोस्ती होती फिर दुश्मनी होती, लेकिन एट द एंड आपने हार मानी और दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया, तो कितना फेक था कहीं, क्योंकि सलमान खान ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं बाहर से ही प्लॉटिंग करके आए हैं आप लोग। सो लोग 5 हफ्ते में फेडअप हो गए थे, मैं 1 हफ्ते में फेडअप हो गया था। आई डोंट थिंक आई नीडेड दैट टू बी इनटू द शो एंड आई केप्ट टेलिंग एवरीवन दैट मेरे पास बहुत कुछ है इस शो में देने के लिए सिवाय मेरे और शिल्पा के पंगे के। एंड जिस दिन वो चीज़ डिसाइड हुई, उसके बाद से यू सॉ हाउ आई प्लेड माय गेम। आई डिडंट नीड अ फाइट विद शिल्पा जी, आई डिडंट नीड अ फाइट विद एनीवन एल्स। व्हाट आई नीडेड रियली वाज टू प्ले दैट गेम, एंड व्हेन आई फाइनली गॉट अ चांस टू प्ले द गेम आई प्लेड इट एंड देन यू सॉ हाउ इट वाज। जहाँ तक अनबन की और फिर दोस्ती की, अनबन की, ये तो उस शो में होता ही है। जब दो स्ट्रॉन्ग लोग एक साथ रहते हैं तो कभी लड़ते हैं फिर सही हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं फिर सही हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं फिर सही हो जाते हैं। दैट्स व्हाट बिग बॉस इज रियली। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं ज्यादा पॉपुलर हूँ, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है, लेकिन हाँ बड़ा अफसोस था। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि मैं अपने आप को 15 हफ्ते में देखना चाहती थी और बिल्कुल फिनाले में जाना चाहती थी। और हाँ ये सही बात है, क्योंकि ज्यादातर अर्शी और शिल्पा का रिश्ता जब मैंने बाहर आकर देखा है तो ये देखा कि मेरी आवाम को ये रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद था और लोग साथ में देखना ज्यादा पसंद करते थे, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता किसी लोगों की वजह से खराब हुआ।
और उसका हर जाना मुझे भुगतना पड़ा और उसी वजह से मेरा एडिक्शन हुआ। लेकिन हाँ, शिल्पा और अर्शी का रिश्ता खुद से नहीं खराब हुआ था, उस घर के लोगों ने खराब किया। जो भी आपका बिहेवियर रहा था शिल्पा के साथ जब आप छोड़ी थी, तो आपने आके उससे बहुत मतलब शिल्पा करके आपने बहुत ज्यादा बॉन्ड एक वापस अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, तो आपने बाहर जाके ऐसा क्या देखा था जो फेल के आपको वापस जाके वो रेक्टिफाई करना चाहिए? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा शो के अंदर, क्योंकि क्या होता है जब इंसान साथ में रहता है तो उसकी कमी महसूस नहीं होती, जब आप बाहर निकलते तो उसकी कमी ज्यादा महसूस होती है। तो मैंने शो को बिल्कुल नहीं देखा कि उन्होंने मेरी क्या बुराई की है क्या अच्छाई की है। रिश्ता बना लिया तो बना लिया, उसको अच्छे से निभाओ। तो वो सोच के मैं अंदर आई थी, जितने मेरे रिश्ते थे चाहे विकास के साथ तो मेरा अच्छा ही था, शिल्पा के साथ मुझे अपना रिश्ता जरूर सुधारना था। तो मैंने उनको अपना कड़ा दिया और हम दोनों का जो बॉन्डिंग था वो मेरा जो रिश्ता है शिल्पा से वो डिस्टेंट रहा है। मैं ऑलवेज रिस्पेक्टेड हर एंड आई हैव लव्ड हर अ लॉट। तो आई थिंक कि जो लास्ट वीक आई वॉज अगेंस्ट हर, जो मैंने उनको बोला कि आप फेक हो या फेक करती हो विकास के साथ ड्रामा, तो आई फेल वेरी बैड बिकॉज जब मैं निकली तब यू नो आई काम डाउन और सारी मेमोरीज वापस आ गई। हु वॉज देयर फॉर मी थ्रू आउट द हाउस। मैंने अफकोर्स थोड़े एपिसोड देखे, थोड़े शॉर्ट्स देखे, मूड शॉर्ट्स एक्सेट्रा, तो काफी सारी चीजें समझ में आने लगी। यू नो यूजली बाहर आके आपको और देखने को मिलता है, अंदर आपकी अगर कोई बिचिंग करता है पीठ पीछे आपको इतना पता नहीं चलता, मुझे नहीं पता चला। So I was very apologetic towards that.